आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, यदि a इज इक्वल टू b का 2/3 और b इज इक्वल टू c का 4/5 हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले, चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर आ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, दिया है यहां पर a इज इक्वल टू b का 2/3, मतलब a बराबर b गुणे 2/3, तो ये b मल्टीप्लाई में इधर आएगा अपान में, a बटे b बराबर 2/3, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेशियो b बराबर 2:3। ठीक, इसके बाद b बराबर c का 4/5 कह रहा है प्रश्न, तो b c का 4/5, तो इसी तरह ये भी हो जाएगा, b बटे c बराबर क्या हो जाएगा 4/5, तो b रेशियो c बराबर क्या होगा 4:5 के। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a रेशियो b रेशियो c बराबर ज्ञात करना है ना, a रेशियो b है और b रेशियो c, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे होगा भाई, यहाँ पर b का मान क्या है 4, यहाँ पर b का मान क्या है 3, तो ठीक सबसे पहले बीच वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी के मान 4 को और बी के मान 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 बी का मान मल्टीप्लाई हो गया आपस में। अब ए का मान लिख लो आगे शुरू में 2 और लास्ट में सी का मान है 5, लास्ट में लिख लो 5। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेकेंड मान है 4, बी का सेकेंड मान 4 है, ये आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो मतलब ए से, और जो b का पहला मान है 3 इसको लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 4 × 8 रेशियो 4 × 12 रेशियो 5 × 15। यहाँ पर जो a रेशियो b रेशियो c का मान होगा वो क्या आ जाएगा 8 × 12 = 15 के। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा 8 × 12 = 15 के। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा आज की इस वीडियो में। बस इतना ही, चैनल पर नया आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर दबा लीजिएगा।